हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो बैंक निफ्टी में जो तेजी आई है, क्या ये वाजिब है या नहीं है, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसमें आज कुछ हम इंटरेस्टिंग सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत काम में आ सकता है। किस तरीके से क्या चीज़ को यूज़ किया जा सकता है वो हम समझेंगे, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी ऑलरेडी हम समझाते हैं ताकि आप उसका यूटिलाइज कर सकें और दोस्तों आप उसका यूज़ कर सके। दोस्तों, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अकाउंट मेरे साथ में है या फिर जिनका जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाया माय पर्सनल सर्विसेज, उनको हमने फ्राइडे के दिन ही एक कॉल दिया था जिसके अंदर बोला था भाई 27,200 का ऑप्शन लॉन्ग कर लो। वो था 220 का प्राइस, ठीक है। 600 प्लस के टारगेट थे दोस्तों, बट वो 1,000 रुपये से भी ज़्यादा पे ट्रेड आज में भी आपने देखा होगा कर रहा है दोस्तों। इसके सामने जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 70 पॉइंट का था। तो दोस्तों, इस काइंड की आपको काम करना है। इवन वो सेम डे भी हमने यही कॉल दिया था वापस से रिपीट, क्योंकि प्राइस नीचे आया था, पहले 480 के आसपास टच करके आया था, फिर नीचे आया, देन अगेन हमने फिर बाई किया और फिर 400 प्लस के टारगेट। और देखो आप तो दो बार, फिर 50 रुपये 28,000 का कॉल ऑप्शन भी हमने 50 रुपये पर लिया और उसको 100 रुपये पर छोटे जो भी स्मॉल ट्रेडर है उनको 20 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने हमने ट्रेड कराया, जिसमें उनको 100% गेन हुआ। सारे स्क्रीनशॉट आपको कहाँ मिलेंगे, आप जाएंगे टेलीग्राम पर तो मिलेंगे, और अगर आप अकाउंट ओपन करके काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी अकाउंट ओपनिंग की लिंक है। मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी, NISM इक्विटी सर्टिफाइड। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ काम करना या फिर किसी भी प्रकार की पर्सनल सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, कभी भी ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी आप कोई काम करते हैं तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको कुछ आना चाहिए। बाकी अदरवाइज तो बाजार में टटपुंजे बहुत सारे हैं, वो मतलब आपको कुछ भी और कैसे भी करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बट कैपिटल अगर आपका वाइप आउट हो जाता है देन यू विल बी ऑन द रिस्क। ओके, तो दोस्तों इस चार्ट में को कंसिडर करने से पहले हम निफ्टी के, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे कि भैया उसमें अब क्या लग रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, स्टिल बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है अगर हम इसको कुछ लॉन्गर टर्म के होरिजन से देखें तो। तो देखिए आप यहाँ पर जो कैंडल, ये जो बार दिख रहा है, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज पहले 400 था, घटने के बाद वापस से अब ये 600 के आसपास ट्रेड करिए। आप देख रहे होंगे यहाँ प्राइस 28,664। तो स्टील यहाँ पर लग रहा है कि भैया अभी भी कैसा, बट अभी एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर डोजी दिख रहा है, और डोजी दिखने के साथ साथ एक और चीज़ में अभी आपको इसके चार्ट पर शो करके दिखाऊंगा कि अगर आपको इसको यूटिलाइज करना है, ये रिस्क तो हमेशा जीवन में लेनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लिया जीवन में तो क्या है। और अगर आप मार्केट में आए हैं तो मार्केट के अकॉर्डिंग करो या मार्केट से झगड़ के करो, रिस्क दोनों साइड है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है वो हम चार्ट पर चलकर देखते हैं कि भैया मुझे बैंक निफ्टी का जो अगस्त फ्यूचर्स है वो जो हमने इतना अच्छा सजाया था आप लोगों के लिए, देखो जब तक मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि भैया जब तक नहीं क्रॉस कर रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया जो चीज करनी है वो क्रॉस होनी जरूरी है। तो देखिए उस दिन भी 200 डे के मूविंग एवरेज तो क्रॉस नहीं किया था और टच होके आया था वापस। मैंने कहा था कि जब तक उसके 100 पॉइंट ऊपर ना जाए तब तक नहीं जा सकता। तो पहली बात है कि, और दूसरा आपको यहाँ पर एक अच्छी भाषा में दिख रहा होगा कि सारे के सारे ब्रेक करने के बाद कहाँ गया बैंक निफ्टी। अब इसमें ये कहो कि या तो ये मार्केट वालों को पता था कि भैया फ्राइडे को कोई न्यूज आएगी तो पहले से गिरा दो, अगले दिन चढ़ा दो, फिर उसके बाद धूम करके और चढ़ा दो। दोस्तों ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा उसी दिन रिकवरी आ गई थी और नेक्स्ट डे तो मार्केट बुलिश हो गया। मतलब ये सब कुछ किया धरा होता है, कौन फंसाता है कौन करता है वो नहीं पता है, बट होता है। अब यहाँ पर आप क्या चीज़ देखने को, देखिए सबसे पहले तो आपको एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, दूसरा जो आपने कभी फ्लैग पैटर्न देखा होगा, फ्लैग तो दिस काइंड फ्लैग होता है पोल के साथ में, उसमें थोड़ा सा झुका हुआ फ्लैग होता है, आपने कभी भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तना हुआ फ्लैग होता, अगर हम हमारे भारत का रक्षा भी देखें तो थोड़ा झुका हुआ ही रहता है। तो ये इंडिकेशन क्या है, देखिए यहाँ पर तीन पोल का मतलब तीन कैंडल का एक फ्लैग बन रहा है, साथ में साथ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और ट्रेंड लाइन अगर ये क्रॉस नहीं करा तो ऑब्वियस है कि ट्रेंड लाइन पे नीचे हमें जाने को मिलेगा। तो मौका कहाँ तक आ सकता है, मौका वापस वो फ्लैग को इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से बना और अगर ब्रेक किया तो ठीक, अदरवाइज फिर ये वापस सुप करके ब्लैक आपको दे सकता है। तो फिर वो कितना जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो यहाँ से गया तो देन फिर ये 1,000 पॉइंट तक की आपको रिकवरी दे सकता है। बट यहाँ पर इतना क्रॉस अगर ये कल ही हो गया देन तो कोई इशू नहीं है, क्रॉस होके क्लोजिंग देना चाहिए। बट दोस्तों कहाँ लग रहा है मार्केट, लग रहा है कि आपको ये डोजी है,
डोजी इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम्स कल से भी डाउन है ऑब्वियसली, और पिछले नेगेटिव वॉल्यूम से भी पॉजिटिव वॉल्यूम्स डाउन है, सब कुछ देखना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर ये इसी तरीके से डाउन हुआ तो ऑब्वियसली कि हमें 27,700 के लेवल, 27,800 के लेवल वापस से दिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर ग्रीड, अकॉर्डिंग टू योर पैशंस, यू कैन डू ट्रेड इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज यू विल वेट टू द क्रॉस 2200 DMA और वट एवर, क्योंकि 50 डे तो और ऊपर है, तो उसके ऊपर अगर क्रॉस होता है देन यू विल थिंक कि भैया क्या हो सकता है, मार्केट में पॉजिटिविटी कहाँ आ सकती है और कहाँ हम ले सकते हैं। बट अगर आपको लगेगा कि भैया आप में दमखम है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं आज भी आता था, आज भी हमने 28,000 का पुट लिया था 210 रुपये के आसपास और 285 रुपये उसका हाई था दोस्तों, ठीक है। बाद में स्टॉप लॉस हुआ बट उससे पहले ही वो 75 पॉइंट दे चुका था और स्टॉप लॉस था सिर्फ 50 पॉइंट का, वो हमने एग्जिट करवाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप चाहते हो काम करना तो दोस्तों कभी भी ये सोच के करिएगा कि भैया पैसा लगता है बट पैसा सेफ होना चाहिए, फ्री में कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे आप कोचिंग लेने जाएँ, चाहे आप क्लासेस लेने जाएँ, कुछ भी हो, बट फ्री इज नॉट अवेलेबल दोस्तों। अगर फ्री में मिल भी रहा है तो आपको अगर आता है यूटिलाइज करना यू कैन डू, बट अगर नहीं आता है तो यू विल बी स्टक विथ योर कैपिटल बॉस जो कि आपने कमाई है। तो दोस्तों 27,800 के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर कल आपको इसी टेरिटरी में घूमता हुआ मिले, इवन डाउन साइड में मिले, तो आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। सेप्टेम्बर मंथ का लेना पड़ेगा अब आपको, या चाहे आप 5 सेप्टेम्बर के आसपास का जो आता है उसको देखिए, क्योंकि फिर रिस्क उसी के अकॉर्डिंग होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय श्री महाकाल।